अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक हाउस के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए रिव्यू लेके हैं सुपर एशिया के न्यू मॉडल का रिव्यू, जिसका मॉडल है ECM 5000 प्लस इन्वर्टर। इस वीडियो को पॉसिबल बनाया सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स ने। अगर आप ये कूलर खरीदना चाहते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए तो अभी सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए आए या तो जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास 5000 प्लस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ एयर कूलर, उसके साथ इतफाकन पड़ा हुआ हमारे पास सिंपल कूलर, यानी कि जो प्लस में आता है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बगैर। इन दोनों में डिजाइन का कोई भी फर्क नहीं है, यानी कि प्रिंटिंग का भी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है टेक्नोलॉजी का फर्क है, वो सिंपल है, ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। मेन फर्क इसके अंदर एक ये है कि ये आपको एक बटन एक्स्ट्रा मिल जाता है, यहाँ पर आपको ECM 5000 प्लस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लिखा हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी अप टू 60% एनर्जी सेव करेगा बनिस्बत इस कूलर के जो सिंपल है। अगर आपके सिंपल कूलर का 100 रुपया बिल आएगा तो इसका 40 रुपये बिल आएगा, यानी कि 60% जो है कम बिल आएगा। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल्स की। ये जो बटन है इस कूलर को ऑन ऑफ करेगा, यानी कि इस बटन से ये कूलर ऑन ऑफ होगा। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी लिखा हुआ देखने को मिल जाता है आपको। राइट साइड पे ऊपर वाली साइड पे सुपर एशिया का लोगो मिल जाता है और आपको 4 अदद कंट्रोल मिल जाते हैं। सबसे राइट साइड पे आपको कूल का बटन मिल जाता है और जो है दरमियान में एक डिमर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल के अंदर आपको जो स्पीड कंट्रोल है, हाई और लो है, इसके अंदर आपको जो है फुली कंट्रोल मिल जाता है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी स्पीड सेट कर सकते हैं। और उसके साथ आपको बटन मिल जाता है राइट एंड लेफ्ट का, स्विंग का, और इसके जो अप एंड डाउन सिंक है वो आपको मैन्युअली करने पड़ते हैं। नीचे आपको देख सकते हैं यहाँ से 2-पिन यूनिवर्सली स्विच मिल जाता है, जो कि आपकी हर सर्किट में लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम, अगर आप में से कोई पाकिस्तान या तो खासतौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की प्रॉपर्टी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है किसी भी सोसाइटी या किसी भी साइट की, तो अभी मिस्टर प्रॉपर्टी के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरे पाकिस्तान की रियल स्टेट के मुतालिक या तो खासतौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सोसाइटी सीडीएस सेक्टर्स की तमाम इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी फॉलो कर लें, प्रॉपर्टी की अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अब बात करेंगे इस कूलर के मेन कंपार्टमेंट की, जो कि आपको और ठंडा पानी प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर आपको जो है कुछ एहतियाती तदबीर भी मिल जाती है, वो आप चेक कर लीजिए। ये रहा इसका जो आइस बॉक्स वाला कंपार्टमेंट, तो इसके अंदर आपको जो है 6 अदद आइस बॉक्स मिल जाते हैं, जिसको आप फ्रीज करके जो है इसके अंदर रख लेते हैं, और 1 अदद वारंटी कार्ड मिल जाता है, जिसके थ्रू आप इसकी वारंटी क्लेम करा सकते हैं 1 ईयर की। एक ख्याल जो आपने रखना है, इसकी जो पानी की मोटर होती है, पंप जो होता है, उसको आपने बगैर पानी के नहीं चलाना। उसको बगैर पानी के चलाएंगे तो वो जल जाएगी, उसकी वारंटी नहीं होती। और इस कूलर की कंप्लीट बॉडी जो है प्लास्टिक की है, और इसके अंदर जो पैड्स हैं वो इंपोर्टेड लगे हुए हैं। पानी डालने के लिए आपको जो है 2 अदद जगह मिल जाती है, एक बैक साइड पे होती है और एक साइड से, ऊपर वाली साइड से भी डाल सकते हैं, और राइट साइड के बॉटम में आपको जो है वाटर लेवल चेक करने के लिए भी जगह मिल जाती है। ये था हमारा रिव्यू, एक किस्म का यह डिफरेंट बिटवीन 5000 प्लस और 5000 प्लस इन्वर्टर में भी हो गया, क्योंकि दोनों कूलर्स मैंने आपको आपस में रख के बता दिए। अगर आप इसके बारे में किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में सबसे टॉप पे आपको सदीक इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर मिल जाएगा, आप उनको कॉल करके किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कूलर खरीद भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।